नमस्कार दोस्तों, मैं शेटी चंद्रन आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा टोटल यूट्यूब में 50 ब्लॉगिंग हो चुका है। 50 में से ये पहली बार बहुत लंबा ट्रिप में जा रहा हूँ। बहुत लंबा बोला तो लद्दाख, ले लद्दाख। और इसमें भी क्या है, लक बाई, यानी कि कोई लक होते हैं और कोई अच्छा मौका मिलते हैं, तो ऐसे ही आज हमें एक अच्छा मौका मिल गया लद्दाख जाने का, वो भी बाय फोर व्हीलर। ये आप देख रहे हैं, ये फोर व्हीलर। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, हमारे साथ हमारे जीजू है। ये हमारे जीजू है पार, ये हमारा भांजा निखिल। तो शुरुआत हो गई थी इनका अकेले जाने का, अकेले के लिए स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद में मेरे को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मेरे को बोला कि चलो जाएंगे बुद्ध। उसके बाद में फिर आगे निकल। सो बस हम लोग तीन जन और वो भी इतना बड़ा गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, इतना बड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, फोर्ड का सबसे बड़ा गाड़ी। लद्दाख जैसे प्लेस में जाना बोलेगा तो सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा प्लानिंग है। ये हमारा पार्क, अच्छा पार्क। अभी हम लोग सुबह निकले थे करीबन 4 बजे शार, अभी 6 बज गया, यानी कि 2 घंटा। अभी हम लोग पहुंच गए, वापी क्रॉस होके सूरत तक हम लोग पहुँच गए, यानी कि 2 घंटे का हम लोग ने पूरा ट्रेन किया। वहाँ पर शूट करने वाला था मगर अंधेरा था, मज़ा नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने नहीं किया था। सो फिलहाल अभी यहाँ से हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? यहाँ से बड़ोड़ा से रूट लेंगे टूवर्ड्स उदयपुर। उदयपुर से होके निकलेंगे अपन डायरेक्टली जयपुर से पंजाब होते हुए चंडीगढ़ से मनाली। सो अभी जो हमारा ट्रिप चालू हो गया है ना, ये हम लोग के लिए एक लक, क्या बोलते हैं निखिल, लक बाय चांस। ये लास्ट टाइम भी हमारे साथ में था, आपने देखा रहेगा इसका वीडियो में, मंगलोर में थे। सो एक बोलते हैं ना, एक तो उसका देन है ऊपर वाले का या फिर गुड लक है, ये सब मेहरबानी हमारा पार्क का है। क्योंकि पार्क का जो प्लान है ना वो सच में सक्सेस हो गया ऐसा लग रहा है। ये हमें भी लद्दाख के लिए हम लोग ने ना सोचा भी नहीं था, ये पहली बार हमारा इतना लॉन्ग ट्रिप, एकदम लॉन्ग टूर का जो पहली बार है। आज तक इतना लंबा रास्ता हम लोग कभी गए नहीं थे, ये पहली बार है। ऐसे ही हम आगे आगे चलते चलते हम मिलते रहेंगे। सो विल सही बॉम्बे टू लद्दाख, फर्स्ट टाइम सेल्फ ड्राइव, खाली एडवेंचर के लिए। फिर आपने इतना डेयरिंग कैसा लिया गाड़ी में लेके जाने का? बस मन किया तो चल गया, वो भी आपका फर्स्ट नया गाड़ी है ये तो। हाँ, तो गाड़ी भी इसीलिए लिया एडवेंचर करने के लिए, और लद्दाख से बेटर एडवेंचर मिलेगा ही नहीं किसी को भी। यार बहुत एक्सप्लोर भी करना है अपने को, परमिट लेना है, ऊपर जाना है और रास्ते पे गाड़ी चलाना है। टोटल कितना किलोमीटर है? फुल ट्रिप इज 6000 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे, मनाली, ले का साइट सीइंग, और वापस सेम रूट से आएंगे तो 6000 किलोमीटर है, और अगर आप वाया श्रीनगर आएंगे तो 7000 किलोमीटर। सो रिटर्न में अगर हम कारगिल जाएंगे, कारगिल से सोनमर्ग, गुर्जिला पास हो गया, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, दिल्ली, बॉम्बे, तो 7000 किलोमीटर हो जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपन वो रूट ले रहे, कोशिश करेंगे लेने की, गाड़ी अपनी है, जा रोकना रोक लेंगे ऐसे। मगर ये
अकेले निकलने का प्लान कैसा होगा? फैमिली को घर पे, घर का फैमिली को भी नहीं ले रहे, मतलब आप अकेले का? फैमिली को लेके जाने का ट्रिप नहीं है ये। क्या होता है, फैमिली को इतना ड्राइव करके बच्चों के साथ जाना इज नॉट रिकमेंडेड। अकेले क्या है, 15-20 घंटा गाड़ी चला लिया, हॉल्ट लिया, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर फैमिली के साथ जाना है तो यहाँ से चंडीगढ़ जाओ फ्लाइट से या ट्रेन से, वहाँ से फिर बाय रोड जाओ। इन ट्रैवलर बोलते हैं, पता है एक बंदा जो ट्रैवल होता है उसका नाम है हुडा हुडा हु अपन ये है। आज का मतलब अभी हम लोग कितना घंटा तक अभी अपना ड्राइविंग होएगा? 20 घंटा मिनिमम आज का पूरा पूरा दिन पूरा। बॉम्बे से अपन चालू हुए 3 बजे सवा 3 बजे। तो अगर मेरा अंदाजा सही है, ट्रैफिक नहीं मिला, तो 20 घंटे में हम पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर में नाइट हॉल्ट कर लेंगे, अगले दिन वापस सुबह निकलना पड़ेगा 5-6 बजे, क्योंकि वहाँ से मनाली है 17 घंटा वाय चंडीगढ़। तो कल का थोड़ा ड्राइव देखना है, लेकिन आज जयपुर को पहुंचना ही है। फिर भी कितना बजे तक पहुंचेगा? 3 और समझो ना आपको रात हो जाएगा, 11 बजेगा रात को 11 बजेगा जयपुर पहुंचना। तो एक आध बार हॉल्ट भी लेंगे ना, लंच के लिए हॉल्ट लेंगे, कुछ तो हॉल्ट तो रहेगा ही। 11 बजे ये क्या एकदम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप बनाया है ना, तो बुकिंग किया नहीं है कहीं, रास्ते पे जहाँ मिलेगा जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ बुक करके रह लेंगे। अभी हम पहुँच गए श्रीनाथ जी का मंदिर के पास। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है, तो हम जाते जाते मंदिर श्रीनाथ जी का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अंदर मोबाइल कैमरा का अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं अंदर का शूट नहीं कर पाया। तो चलते हैं यहाँ से आगे। गुड मॉर्निंग। कल रात का अपना 12 बजे तक अपना आपने ड्राइविंग किया था, पूरा देख रहा हूँ आपका मेहनत, आपका ताकत जबरदस्त। फिर भी आपने कल रात को कितना किलोमीटर चलाया? कल हमने चलाया टोटल 1200 किलोमीटर बॉम्बे से। 1200 किलोमीटर हम लोग मुंबई से, कल कंप्लीट हमारा राजस्थान क्रॉस होके कहाँ तक हमारा टोटल फाइनल? राजस्थान बॉर्डर पे है अभी, बॉर्डर पे हम लोग हैं बस। अभी इधर से 50 किलोमीटर है पंजाब, तो एक बार पंजाब पहुँच जाएंगे फिर 700 किलोमीटर। अभी यहाँ से 700 किलोमीटर है मनाली। ओके, वो भी हम कर देंगे करीबन 11 घंटे का। यानी कि आज कितना बजे तक हम पहुँच सकते हैं? आज मेरे हिसाब से अपन 5 बजे मनाली में होंगे शाम को। देखते हैं अगर मूड हुआ तो रुक जाएंगे मनाली, और अगर लगता है कि थकान नहीं लगी है तो कल सुबह ले निकल जाएंगे। तो हम कहीं जिस्पा या तो सरचू में हॉल्ट ले लेंगे कल रात के लिए। आज रात को तो मनाली में रुकेंगे। आपने कल पूरा दिन ड्राइव किया, तो आपका मतलब थकाव लग रहा है या फिर अभी भी, क्योंकि ये पूरा पावर ज़्यादा करके लग रहा है, ये लद्दाख का जोश है। हाँ, ये लद्दाख का जोश है, इस वजह से आपका एनर्जी पावर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एकदम 100%। हम लोग बैठ के, हम लोग थक गए, आप ड्राइव कर रहे हैं पूरा दिन, फिर भी आपका एनर्जी देखिए हमको भी थोड़ा सा जोश में आ गया हम लोग। नहीं, पूरा ट्रिप मारना ही है, 7 दिन में अपने को खत्म करना है। यस
और हॉल्ट ले लेके गए, ऐसा भी नहीं लिया है। कल 20 घंटे में हमने कम से कम कितने 4 हॉल्ट लिए और डिनर भी लिया, 1 घंटा डिनर का हॉल्ट लिया और बाकी करीबन 3 या 4 हॉल्ट लिए थे। अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 20 मिनट का तो हॉल्ट लिया है, चाय के लिए, ब्रेक स्नैक्स के लिए। नॉट बैड, 1200 किलोमीटर्स 18 घंटे में कुछ खराब नहीं है। यस फ्रेंड, अभी आ गया हूँ मैं हरियाणा चंडीगढ़। ये प्लेस है पूरा चंडीगढ़ का ही है। अभी थोड़ा सा ब्रेक किया, चाय पियेंगे, बल्कि यहाँ पर ऐसा अप्लाई है, चाय वाय मंगाया, अभी थोड़ा चाय पी लेंगे फिर डायरेक्ट मनाली की तरफ। ऐसे छोटे छोटे ढाबा में भी ना चाय बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता नहीं है, बड़ा हाईफाई जाने की जरूरत नहीं है। मनाली और शिमला में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर। 150? अच्छा, ये मनाली में ऐसा क्या चीज है जो घूमने को लोग आते हैं ना? हिल स्टेशन है, बस हिमाचल का बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, बस इतना ही है। हाँ। और मनाली में मॉल रोड है शॉपिंग के लिए। अच्छा। दो टेम्पल है, एक हडिम्पा टेम्पल और एक आई थिंक सीप ऐसे कोई टेम्पल है। हाँ। बस और कुछ नहीं है उधर, बट ब्यूटी है, माउंटेन का ब्यूटी है, इसलिए लोग जाते हैं। अभी जैसे श्रीनगर लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, खाली ब्यूटी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। हिमाचल का सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। हम लोग मनाली तक पहुँच गए, तो मनाली तक से ऐसा मतलब अभी हमें लद्दाख तक तो जाना ही है। यहाँ पर कश्मीरी का शॉल या स्वेटर्स और भी अन्य शॉप है, वहाँ पर अच्छा अच्छा शॉप है, बेस्ट आप थोड़ा सा बार्गिंग करके वहाँ पर स्वेटर्स, जैकेट्स या ग्लाउज, कान टोपी क्या चाहिए, क्योंकि ऊपर के ठंडी बहुत है लद्दाख में, तो यहाँ से आप परचेस करके वहाँ पर ले जा सकते हैं। सो फिर यहाँ पर ऐसा दो मंदिर है, एक माता जी का मंदिर तो मनाली मार्केट में ही है, सो मार्केट का एक मंदिर का दर्शन ले सकते हैं। उसके बाद में एक उसके बगल में ही है, कदर चल के जा सकते हैं आप, तो हिडिम्बा नाम, हिडिम्बा का मंदिर है,
वहाँ पर भी आप दर्शन, उनका दर्शन लेके फिर आपको आपको मनाली का ये जो 2-4 पॉइंट है वो चेक मतलब देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहेगा तो। हम लोगों ने दो पॉइंट को, 3 पॉइंट को कवर किया है मनाली में। मार्केट में थोड़ा सा अच्छा खासा परचेस करने को मिल गया, ड्राई फ्रूट भी अच्छा अच्छा मिलता है, कॉस्ट्यूम सब अच्छा है वहाँ पर भी। सो चले एक कश्मीरी का दुकान में जैसे आप थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। आइए आ जाओ, 50 के हो जाओगे तभी पहनना, पकड़ो ना उसको, पकड़ना होता है। नहीं वैसे खाली इधर टक करते रहे। अरे यार संजीव कुमार लग रहे हो यार। संजीव कुमार का संजय कुमार, संजीव कुमार सर जी आपके पास क्या क्या है सर? मेरे पास A to Z फैसिलिटी है। A to Z बोला तो क्या है? A to Z साड़ी सूट जो एक कश्मीर का फेमस है पश्मीना, वो भी हमारे पास है। ओके उसका रेंज रीसेल वैल्यू। अभी आपका रेंज क्या क्या है, कितना कहां से कहां तक है? सर मेरे पास स्टार्टिंग रेंज 300 से 50 लाख। हां जैसे कि पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, हां उसमें जो मिडिल वर्क होता है ओके काफ़ी सालों से वो काम चल रहा है। कौन सा जरा दिखा सकते हैं? वो बंद रखता है उसमें फिलहाल। अभी जो आपने 300 से रेंज बताया है ना, वो कौन सा बोल के फेमस स्टोल है कश्मीर का? टोल है ना ये? हाँ ये स्टोल है लेकिन स्टोल। ये कश्मीर की पहचान। ओके जो वर्क वाला है ऐसे आपको समझ आएगा बस। हाँ बहुत बढ़िया। इसका क्या रेट है प्राइस? 950 जैसे आप समझो कि स्टार्टिंग जी जी जो प्रिंट आएगा जी जी हैंड वेव। ओके भाई के पास जब भी आप मनाली आएंगे तो ये शॉप का नाम याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जिसमें फ़ोन नंबर भी था, नाम भी था। फाइनली अभी मनाली तक आ गए, यानी कि करेक्ट 6 बज गया। सुबह 6 बजे निकले थे, चंडीगढ़ से यहाँ आने के लिए 12 घंटे लग गए। तो अभी फ़िलहाल मनाली में, क्योंकि आज तो नाइट को ड्राइव तो नहीं होएगा ना, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो ये होटल देख रहे हैं, ये होटल में आज रहने का प्लानिंग कर रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ का, अभी आज थोड़ा सा मनाली में घूमते हैं अभी आधा एक घंटा यहीं का आसपास है किधर का भी, फिर कल सुबह वापस डायरेक्ट लद्दाख। कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे लद्दाख के लिए, अर्ली मॉर्निंग फास्ट फटाफट निकल जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी मैं ये मेरा फर्स्ट डे का मतलब लद्दाख का जो पहला वीडियो है मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ।
ये वीडियो को आपने, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ट्रैवल के बारे में बताया था, कहाँ से कैसे आने का, कहाँ से आने का, क्योंकि अगर आप भी अगर फोर व्हीलर में आते हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी, अब हम आपको कल सुबह से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। सो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ये मनाली में लिया हुआ रूम है, हमने रूम बुक किया, देखिए कितना बढ़िया रूम है, एक दिन का, इसका रेंट है 1000, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम चकास। समोसा मनाली का स्पेशल डिश, और ये क्या भैया? ब्रेड पकौड़ा। पकौड़ा कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जलेबी हाफ प्लेट है, फुल प्लेट है? फुल बोलना, हाफ बोल, फुल ही कर दे भाई, चार जलेबी लगा। अच्छा जलेबी और दे दो।